हे गाइस व्हाट्सएप, आज हम 3 BHK प्लान लेके आए हैं जिसका साइज़ है अपना 38 फीट बाय 28 फीट 6 इंच। ओके, और ये जो है अपना वेस्ट फेसिंग प्लान है, इस साइड अपना वेस्ट है, ठीक है। ये 38 फीट है, ये अपना 38 फीट है, और ये जो है अपना 28 फीट 6 इंचेस है। ओके, डन। फर्स्ट अपना मेन एंट्रेंस इस साइड से है, फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बेडरूम के बारे में। एक बेडरूम अपना ये है, एक बेडरूम अपना ये है, एंड एक बेडरूम अपना ये है। ये अपना टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है। ये अपना किचन है, ओपन है, ये इतना पोर्शन ये ओपन है। ये अपना हॉल प्लस डाइनिंग है। स्टेयर केस है ये अपना, इस साइड से स्टार्ट है, देन ये ऐसे इसकी सेकंड फ्लाइट है, ठीक है। ये जो है अपना लॉबी पोर्शन है, लॉबी और पोर्च, और आप इसको पार्किंग भी बोल सकते हो। ओके, मेन एंट्रेंस जो है अपना वो इस साइड से, ये मेन एंट्रेंस है अपना, दिस इज अवर मेन गेट। ओके, ये अपना मेन एंट्रेंस है। अब बात कर लेते हैं साइज का। ये बेडरूम जो है अपना 10 बाय 12 का है, ये 12 फीट ऐसे है एंड 10 फीट ऐसे है। सेम इसका भी साइज सेम है, 12 फीट बाय 10 फीट। टॉयलेट्स जो है अपना वो है 6 फीट बाय 12 फीट, कॉमन है तो अच्छा साइज दिया है, 6 फीट बाय 12 फीट। लेट प्लस बाथ दोनों है इसमें। ये किचन है अपना, किचन का साइज है अपना 8 फीट बाय, ऐसे 8 फीट है, 6 फीट 6 इंच। ओके, ये स्टेयर केस है। लॉबी का जो अपना साइज है, ये बेडरूम का साइज है अपना 10 फीट बाय 10 फीट, सिंगल बेडरूम है ये, 10 फीट बाय 10 फीट। देन जो रिमेनिंग पोर्शन है अपना लॉबी चाहिएगा, और हॉल का जो साइज है अपना ऐसे अपने को मिल जाएगा 13 फीट 6 इंचेस। ओके, एक टॉयलेट यहाँ पे है, अगर आप चाहें तो एक टॉयलेट यहाँ भी इसके अंडर में दे सकते हैं। ओके, टॉयलेट या स्टोर रूम जो भी है आप चाहें तो एक इधर भी आ सकता है, डन। अब बात कर लेते हैं गेट्स का, गेट्स अपना कहाँ कहाँ है। एक गेट इधर है अपना एंट्रेंस गेट जो हॉल में आएगा, बेडरूम का गेट एक ऐसे है, डन। इसका गेट यहाँ पे है, डन। टॉयलेट्स इसका गेट इधर है, किचन अपना ओपन है। ओके, एंड ये बेडरूम का गेट इस साइड है। टोटल अपने 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड ये 7, ये अपने गेट्स हैं। विंडो एक किचन के साइड अपन लोग दे सकते हैं, एक विंडो यहाँ पर बेडरूम में, डन। अगर चाहें तो एक विंडो बेडरूम्स में ना देते हुए एक यहाँ हॉल में एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, इनफ, डन। बात कर लेते हैं कॉलम्स का, तो एक कॉलम अपना यहाँ पे आएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम अपना यहाँ पे आएगा, एक कॉलम अपना यहाँ आएगा, एक कॉलम अपना यहाँ पे आ जाएगा, सेम एक कॉलम इधर आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, डन। और सेंटर में इसके एक सेंटर में कॉलम यहाँ आ जाएगा, एक सेंटर में यहाँ आ जाएगा, दो सेंटर में इस यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4 8 12, डन।
अब बात कर लेते हैं साइज का, डन। डोर का जो साइज देंगे सेम 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर का, विंडो का जो साइज देंगे वो 0.9 मीटर बाय 1.2 मीटर देंगे, वॉल्स जो रहेंगे अपनी आउटर वॉल 9 इंचेस और इनर वॉल 4.5 इंचेस, ठीक है। कॉलम्स का जो साइज होगा अपना वो 300 बाय 300, सेम बीम का भी साइज सेम है अपना। इसका जो ओवरऑल कॉस्ट आएगा अपना वो अप्रोक्स आ जाएगा ये 38 फीट बाय 28 फीट 6 इंच, ओवरऑल 8 to 9 लाख रुपीस इसका कॉस्ट आएगा। तो ये 3 BHK प्लान है। धन्यवाद दोस्तों।